लक्ष्मी, मेरे चैनल लक्ष्मी वेज किचन एंड लाइफस्टाइल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं व्रत स्पेशल साबूदाना खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप कम सामग्री में भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम साबूदाना खीर बनाते हैं। खीर बनाने के लिए हमने आधा कटोरी साबूदाना लिया है। तो इसे हमने 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब ये अच्छे से फूल गया है। अब इधर हमने थोड़ा थोड़ा ड्राई फ्रूट लिया है, मखाना, काजू, बादाम, गरी और मुनक्का, और 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है। इधर हमने गैस पर 1/2 लीटर दूध को पका लिया है और इसमें हम साबूदाना को डाल दिए हैं और इसे चला लेते हैं। अब हम आंच को स्लो कर देंगे। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। तो चीनी मैं 1/2 कटोरी ऐड कर रही हूँ। तो मैं अपने मीठे के अकॉर्डिंग ऐड कर रही हूँ। आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा पसंद है। और चीनी को भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे हम ढक कर पकाएंगे। तो हम पूरा नहीं ढकेंगे और बीच बीच में हम ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, खीर हमारा गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो अब इसमें हम जो कट करके रखे हैं ड्राई फ्रूट, इसे डाल देंगे। आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किशमिश को छोड़कर बाकी चीज़ें हम मैंने डाल दिया है। किशमिश मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि दूध फटने का डर रहता है। तो ये देखिए, किशमिश मैं बाद में डाल रही हूँ। अब इसमें मैं इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ। तो इसे मैंने थोड़े से चीनी में डाल करके अच्छे से कूट लिया था। चीनी डालकर कूटने से बहुत जल्दी पाउडर बन जाता है इलायची। ये देखिए दोस्तों, खीर हमारी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो इसे हम ढककर 2 मिनट और पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गया है, खीर हमारा अच्छे से पक गया है और गाढ़ी भी हो गई है। तो चलिए हम गैस को बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए, खीर अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए बादाम डालेंगे कटे हुए। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये साबूदाने की खीर की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरीके से नए नए और सिंपल सी रेसिपी लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।